हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय फर्स्ट ब्लॉग। तो मैं आ चुका हूँ एक नए ब्लॉग के साथ और पहले ब्लॉग के साथ। आज से मैंने भी अपनी अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है ब्लॉगिंग की। आई होप आप सभी मेरे को क्या बोलते हैं उसको फॉलो करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। एंड बाहर मौसम आज कुछ ऐसा ही है गाइस। अभी मेरे को एक फ्रेंड का फोन आया था, अभी हम जाएंगे घूमने के लिए, तो अभी मेरे को नहाना पड़ेगा। तो अभी हम चलते हैं, नहाते हैं, तैयारी करते हैं और चलते हैं कहीं घूमने के लिए। और आप बने रहे मेरे साथ। तो गाइस, अभी मैं नहा के आ चुका हूँ। अभी हम रेडी हो रहे हैं, अभी मैं रेडी हो रहा हूँ। मेरे फ्रेंड आ रहा है, उसके साथ घूमने के लिए जाना है। अभी मैंने आपको बताया था और टाइम हो रहा है। अभी मैं घर से निकल चुका हूँ, तो चलो चलते हैं। आपको दिखाता हूँ मैं अपने घर की साइड का रास्ता, गलियाँ, घर। कैसे हैं गाइस, भी कमेंट में बताना। और मैं कैसा लग रहा हूँ भी कमेंट करके जरूर बताना। तो अभी हमें पैदल यात्रा करनी पड़ेगी 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर। अभी बाहर आंगन में कोई भी नहीं है, क्योंकि मौसम ही कुछ ऐसा सा है, वेदर ही कुछ क्या बोलते हैं उसको, फ्रीजी सा है, फ्रीजी। और ये हमारे रखवाले, देखो ये घर कहीं मिल। सो गाइस, निकल चुके हैं अभी हम घर से, तो जा रहे हैं बखेड़। वहीं पे ही वो सब मिलेंगे, वो सब क्या चीनी बंदे हैं, वो तो चौथा मैं, दो बाइकें। अब देखते हैं, एक तो RS 100 की 200 और दूसरी पता नहीं कौन सी है, शायद NSR 15 हो। तो चले आप हैवी। और ये हमारा छोटा शीतक, ये आपको हर जगह मिल जाएंगे देखने के लिए। यहाँ पे बस कुत्तों का ही राज है, इंसानों का तो है नहीं। और भी दिखाऊं आपको क्या गाइस, ये देखो, ये देखो। आजकल ठंड है भाई साहब, आजकल आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाएगी ऐसे पीपल। अब जा रहे हैं, तो मैं आपसे मिलता हूँ बगेड़ में सड़क के पास, और मैं उनको कॉल कर लेता हूँ गाइस। तो मिलते हैं बगेड़ में। सो गाइस, अभी मैं मार्केट पहुँच चुका हूँ, सड़क पे एंटर करने वाला हूँ। और उन लोगों ने बोला क्या, बस पहुँचने वाले हैं। हाँ, पहुँच चुके हैं वो लोग गाइस, बहुत ही ज्यादा आगे खड़े हैं। अभी हम जा रहे हैं। और छोटे क्या हाल है, अभी आपको मार्केट दिखाता हूँ मैं यहाँ की गाइस। ये देखो वो खड़े हैं परे जाके, वो लोग लगाओ साहब क्या ही करें ना, बंदों का फेसियल करा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं। और ओहो, बंदे फेसिल फूसिल करा के चमक चुके हैं भाई साहब। और भाई क्या हाल है, बढ़िया साहब जी, ठीक है। और छोटे मेहता जी, भाई क्या हाल है, ठीक है, बढ़िया। किखो जाना है, चल ब्लास्ट करो, चलो ना, चलो चलो चलाओ 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 भाई, यह कर लिया जरा व्लॉगिंग थोड़ी जी। चले पकड़ कैमरे पर,
देखो अभी हमने कैमरा संभाल लिया, सही चाल है, पिछली ब्रेक लग दिया रे हरी मार और लगा यार सब हां लग दी मार चो चल चलते हैं थोड़ी देर बाद गाइस अभी हम राइड मार ले थोड़ी सी, चलिए चलते हैं आरएस के ऊपर और ये आरएस है और ये एनएस है, अभी हम जा रहे हैं बिलासपुर की तरफ, तो मिलते हैं आपको कुछ समय बाद। ये हमारे मित्र, ओके गाइस मिलते हैं थोड़ी देर बाद। यार नहीं बनता, मेरी बनाया कितने निकल चुके हैं, पर गाइस बहुत ही ज्यादा ठंड चुकी है, ठंड है, इन्होंने मेरे पास बाइक दे दी है, अभी मेरे को चलानी ही पड़ेगी। गाइस एक बार मैं बात बताऊं आपको, मैं यहाँ से गिरा हुआ था, यहाँ पे बाइक यहाँ से वहाँ चली गई, मैं क्या करेगा। और ये पीछे आरएस आ रही है साथ में, अभी हम पहुंच चुके हैं बिलासपुर डैम के पास और हमारे ऊपर वाली साइड में है, वहां पे है मैदान, एथलीट मैदान, और इस साइड क्रिकेट मैदान है। अभी आपको जाते जाते दिखाऊंगा मैं, अभी हम तो डैम के नज़ारे लो, अभी यहां पे पिक्चर कलेक्ट हो रही है कुछ थोड़ी बहुत, और ये हमारे कैमरामैन फोटो खींच रहे हैं और हमने एक पोज में इसने हमारा फोटो ले लिया, और एक राइडर चला रहा है पोज खिंचाने के लिए, अपनी बाइक को स्टार्ट कर रहा है, और नीचे की तरफ गाय बल्द वगैरह खाना खा रहे हैं, और ये हमारी कड़ी नदी है, सतलुज नदी है, कौन सी नदी है गाइस बिलासपुर की, मेरे को कमेंट में जरूर बताना, मेरे को पता ही नहीं है, मैं बिलासपुर का रहने वाला और मेरे को पता नहीं कौन सी नदी है ये, बस ब्यास नदी, ओके हाँ सारी आई हैं, मिक्स हुई रही है सारी नदियाँ हैं भाई, ओह सदरा है, ओए सदरा ही मंडियाल दीजो, मंडियाल की गर्लफ्रेंड इसको बुला रही है, और लड़ चुके हैं फोटो के लिए, यहाँ पे फोटो शूट हो रहा है, पर ये कुछ लोग भी हैं, पर ये शायद शमशान घाट है जहाँ पे, आपको तो पता ही होगा गाइस शमशान घाट है शायद। गाइस यहाँ पे बहुत ही गंदा वाला फुद्दू बन के है हमारा, कैमरे में चार फोटो खिंचवाया, कैमरे की बैटरी डेड, भाई साहब गंदा ही सीन। अभी हम जा रहे हैं इसको चार्ज करने के लिए, गाइस क्या करें यार, कैसे बंदे हैं चार्जिंग भी नहीं करते हैं कैमरे को, रखे हैं कैमरे माचो, क्या यार गाइस, मेरे को भी एक आधा कैमरा लेना पड़ेगा, अभी तो फ़ोन से चला रहे हैं, फ़ोन भी हमारा नया फ़ोन है, ऐसी कोई बात नहीं, अभी हम जा रहे हैं फ़ोन नहीं बट कैमरा चार्ज करने के लिए, चार्जिंग करने के लिए, तो मिलता हूँ आपसे मैं थोड़ी देर में, आप सभी मेरे साथ बने रहे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मेरे भाई लोग इतने हैं, आग का मजा ले रहे हैं ये लोग, देखिए गाइस आग का मजा, ठंड है इधर बहुत सारी, हम हैं कौन सी जगह, ये बिलासपुर है, हम थोड़ा चुका है हमारा कैमरे के साथ में, ये हमारे को इस लड़के ने मारा, फुद्दू बना चुका है ये लड़का हमारा, 600 रुपए दे के 600 रुपए दे के फुद्दू बना दिया सर इसने। लोग देखिए गर्मा गर्म चाय पी रहे हैं, अभी हम आग का मजा ले रहे हैं, साथ में चाय का भी मजा ले रहे हैं, और ये अंकल जी बैठे हुए हैं यहाँ पे, बढ़िया बातें शुरू हो चुकी हैं, बाबू जी कदर करो, अच्छा कदर करो, 1 किलो आलू है तो उनका भाई, ओ
बातें सुनो यहाँ पे। कितने हो तुम्हें? दो भाई। दो ही है सारे। कल बात शुरू हो चुकी है यहाँ पे गाइस। अकल कर यहाँ पे इसकी बच चुकी है अभी ली जा रही है यहाँ पे। चाचा जी बहुत ही अच्छी कॉमेडी कर रहे हैं यहाँ पे। खुली है माँ बाप की कदर करनी चाहते हैं आप लोग। गुड इवनिंग गाइस, शाम के बज गए हैं 6 और बाहर अंधेरा हो चुका है और बारिश शुरू। खाना बनाते हैं, खाने में बनेगा मुर्गा। आज ठंड का मौसम है तो मुर्गा बनाते हैं। घूम घूम के जाना पड़ेगा दूसरी साइड, मंदिर है इसलिए घूम के आना पड़ता है। और यहाँ पे चला है चिकन का जल गया। काम करते हैं, आपसे मिलता हूँ मैं थोड़ी देर में। सो गाइस, खाना पीना तो हो चुका है, अब थोड़ी सी एडिटिंग करनी है फर्स्ट व्लॉग की। देखते हैं कैसी होती है, आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरा व्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें प्लीज़, सपोर्ट फुल पावर। तो चलो चलते हैं, एडिटिंग करते हैं और मिलते हैं आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ। बाय, गुड नाइट।